तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। एयर इंडिया को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला, 100% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। बोलियां मंगाने के लिए 17 मार्च 2020 तक का समय दिया गया। खास बात है कि एयर इंडिया की देनदारी बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। एयर इंडिया को रोजाना 22 से 25 करोड़ रुपए का हो रहा नुकसान। एयर इंडिया को बेचे जाने के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर कहा कि ये सौदा पूरी तरह से देश विरोधी। कहा, अगर सरकार का यही फैसला रहा तो जाएंगे कोर्ट। गौरतलब है कि एयर इंडिया भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनावों का रंग हुआ गहरा। चुनावों को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता होंगे सड़कों पर। सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे 3 रोड शो तो गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान में लगातार हो रहा हिंदू समुदाय का उत्पीड़न। सिंध में एक मंदिर पर भीड़ ने किया हमला और की तोड़फोड़। मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति को पहुंचाया नुकसान। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब सिंध से लगातार हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें आ रही हैं।